हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 32 इंच बॉर्डर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लेना है और इसमें हम पहले पलेटें सिल लेते हैं। जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेट सिल ली है और सेम ऐसे ही हमें 3 और प्लेटें हैं उनको भी सिल लेना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 पल्ले में पलेटें सिल ली हैं और सेम ऐसे ही हमने दूसरे पल्ले में भी पलेटें सिली हैं, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को सीधा करेंगे और इस वाले पल्ले में हमें आई वाली पट्टी सिल लेनी है। तो पट्टी को इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम डबल लगाएंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आई वाली पट्टी सिल ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला पल्ला है, इसमें हुक वाली पट्टी सिलेंगे। फिर हम पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें एक डाप सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। पल्ले को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगाएंगी। और जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था नीचे की तरफ, तो उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम दूसरा पल्ला लेंगे, इसमें भी हमें 1/2 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से लंबाई 13 इंच लेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचेंगी और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी। यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी होगी क्योंकि यहाँ पर भी हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पल्ले में भी इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को इस तरह से आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है, ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो आगे वाला पल्ला है वो सिल कर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें पहले पलेटें सिलेंगे। पीछे वाले पल्ले में हमारी 2 प्लेटें सिली जाती हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी प्लेटें सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्लेटें सिल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे की तरफ 1/2 इंच की किनारी है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है नीचे से फोल्ड करके। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो जहाँ पर हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया था, तो वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। देखिए इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई है 32 इंच, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। फिर हम पल्ले को एक बराबर रखेंगे और निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से देखी डबल सिलाई लगा दी है, तो अब हम क्या करेंगे, साइड में सफाई के साथ कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं दोनों तरफ से। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो दो पट्टी कटिंग की थी और ये भी, उनको पहले बीच में सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगी और यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगी। फिर हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगी। पूरे गले में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। यहाँ पर हम बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और साथ में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी सिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसको ऊपर रखेंगे और जो हमने आधा इंच की पट्टी बाहर की तरफ निकाली थी उसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से घुमाना है गोल गोल करके और ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर रखना है और पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग को बना लेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर ही रखना है, इससे हमारी गोल पाइपिंग बनेगी, ये बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए इस तरह से हमारी कितनी गोल पाइपिंग बनी है,
तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को बना सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगी, बाजू को सिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाजू को लिया है और इसमें जो हमने पट्टी कटिंग की थी उनको इस तरह से सिलेंगी दोनों तरफ से। तो पहले हम एक पट्टी को सिलेंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो आधा इंच की किनारी है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और दोस्तों सेम ऐसे हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है, इसमें भी हमने साइड में दो पट्टी लगाई है। यहाँ पर देखिए जो हमारे कट हैं वो आमने सामने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्की सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो जो बाजू में हमने कट लगाया था वो कट हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है इस तरह से। और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू को सिल लिया है, इसमें देखिए हमने एक सिलाई लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल सिलाई भी लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी है 10 इंच, तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाजू को सिल लिया है, जो हमारा कट है वो देखिए हमारा आगे वाले पल्ले पर आया है। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दूसरी बाजू में भी जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डोरी लगाएंगे। तो हमने दो पट्टी ली है और ये भी, और ये पट्टी हमारी 1 इंच चौड़ी है। तो इसको फोल्ड करके इस तरह से इसको लपेटेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज में डोरी सिल ली है और जो हमारा ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।